हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुमकुम गौतम और आज करने वाले साइटो स्केलेटन का थर्ड वाला पार्ट जिसमें इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की बात करने वाले हैं। मैं तुम्हें माइक्रो ट्यूबुल करा चुकी हूँ तो मैं माइक्रो फिलामेंट भी रिवीजन करा चुकी हूँ, तो आज इंटरमीडिएट फिलामेंट्स भी हो जाएगा तो तुम्हारा सारा का सारा यहाँ से साइटो स्केलेटन कवर हो जाएगा। तो जिन बच्चों ने वो वाली वीडियोज नहीं देखी एक बार वो वाली वीडियो जाके देख लेना। अगर मैं फ्री क्लासेस की बात करती हूँ तो तुम्हारे यूट्यूब पे फ्री क्लासेस होती हैं जो सुबह 1:10:30 पे क्लास होती है, जहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराती हूँ आपको, साथ के साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो भी यहाँ पे कवर कराए जाते हैं। अगर मैं 4 बजे वाली क्लास की बात करती हूँ तो ये भी तुम्हारे यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री वाली क्लास होती है। यहाँ पर मैं आपको रेगुलर टॉपिक करा रही हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो CSI UGC नेट में बहुत बार पूछे जाते हैं तो वो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। साथ के साथ आपका रिवीजन भी चल रहा है यहाँ पे, तो ये जो 13 to 17 है यहाँ पे मैं आपको रिवीजन कराने वाली हूँ। तो आप इस प्रॉपर जो भी तुम्हें रिवीजन करा रही हूँ एक बार ढंग से पढ़ लेना, तो तुम्हें यहाँ से क्वेश्चन जो बनेंगे वो कम्प्लीट हो जाएंगे। अगर मैं और भी फ्री क्लासेस की बात करती हूँ तो तुम्हारी अनअकैडमी जो ऐप है वहाँ पे भी फ्री क्लासेस होती हैं। आपको प्ले स्टोर पर जाना है, ठीक है, अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कर लेना है और कुमकुम गौतम सर्च करना है, मतलब फॉलो कर लेना है, तो जब भी क्लास होगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उस क्लास को ज्वाइन कर पाएंगे। तो फर्दर नोटिफिकेशन के लिए आप कुमकुम गौतम को फॉलो कर सकते हैं। साथ के साथ अगर प्लस क्लासेस की बात करती हूँ तो बेटा ये वाली जो होती हैं आपकी पेड क्लासेस होती हैं। प्लस क्लासेस हैं तो देट मीन्स आपको यहाँ पे रेगुलरली क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी, रेगुलर बेसिस पे आपको क्लास प्रोवाइड की जाएंगी। यूनिट वाइज आपका पूरा कोर्स है यहाँ पे कवर कराया जाता है, यूनिट वाइज यहाँ पे कोर्स कवर कराया जाएगा। नोट्स की भी टेंशन नहीं रहती है क्योंकि वो भी तुम्हें PDF फॉर्मेट में यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। मॉक टेस्ट के थ्रू प्रैक्टिस कराई जाती है, तुम्हें क्विजेस के थ्रू प्रैक्टिस कराई जाती है और टेस्ट सीरीज के थ्रू यहाँ पे आपको समझाया जाता है। तो आप यहाँ से प्लस कोर्सेज के साथ साथ आपको ये सब चीज़ें भी मिलती हैं जिसके थ्रू आपका प्रॉपर रिवीजन, प्रॉपर प्रैक्टिस, प्रॉपर आपको पता चल जाता है कि आप कहाँ पे लाई कर रहे हैं, आप कितना मेहनत कर रहे हैं और कितनी मेहनत की रिक्वायरमेंट है, तो आपको यहाँ से सारा का सारा पता चल जाता है। यहाँ मेरा रिवीजन कोर्स चल रहा है जहाँ पे मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करा रही हूँ जो CSI UGC नेट में बहुत बार पूछे जाते हैं। साथ के साथ आपको यहाँ पे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी करा रही हूँ, तो अगर आपको उसके लिए ज्वाइन करना है तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी बच्चे आगे वाले CSI के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं वो क्या कर सकते हैं, अभी रिवीजन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा, जितने भी आपके CSI UGC नेट के एजुकेटर्स हैं आपको रिवीजन करा रहे हैं, साथ के साथ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी यहाँ पे कवर करा रहे हैं। दैट मीन्स आपका पूरा का पूरा जो यहाँ से जो टॉपिक्स हैं, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो कवर हो जाएंगे। और जब आपका कोर्स पूरा कंप्लीट कराया जाएगा तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी, तो इसके लिए ज्वाइन कर सकते हो। प्लस क्लासेस का एक और फायदा क्या होता है कि आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाता है। किस चीज़ का, लाइव क्लासेस का। तो आपको लाइव क्लासेस प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस दोनों क्लासेस यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाती हैं। तो अगर आपको प्लस क्लासेस ज्वाइन करनी है तो आप ये ज्वाइन कर सकते हो। आपको यहाँ पे लेना पड़ता है सब्सक्रिप्शन, गेट ESC ना लिखा हो, यहाँ पे लिखा होना चाहिए CSIR UGC NET। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद में आपको प्लान चूज करना होता है कि आपको 1 मंथ का लेना है, 3 मंथ का लेना है, 6 मंथ का लेना है, 12 मंथ या 24 मंथ का। तो जो भी बच्चे आगे वाले CSI के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो 6, 12, 24 मंथ वाला चूज कर सकते हैं। यहाँ से आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाती है, आई एम टेलिंग यू, और काफी अच्छा आपको एक्सपीरियंस मिलता है, नॉलेज मिलती है, GRF में अच्छी रैंक आती है। तो आप ये कर सकते हैं। आप एक रेफरल कोड यूज कर सकते हो, वो है कुमकुम 10, KUM KUM 10। तो कुमकुम 10 आपको अप्लाई करना है, देन करना है प्रोसीड टू पे। आपको 10% ऑफ मिल जाता है जैसे ही आप कुमकुम 10 यहाँ पे अप्लाई करते हो। तब आपको पेमेंट करना होता है, चाहे डेबिट कार्ड के थ्रू करो, चाहे क्रेडिट कार्ड के थ्रू करो, EMI हो गया, UPI हो गया, वॉलेट हो गया, नेट बैंकिंग हो गया। यहाँ पे नो कॉस्ट EMI वाला ऑप्शन है, मतलब कोई भी इंटरेस्ट आपसे नहीं लिया जाता है। आपको ये जो अमाउंट है इंस्टॉलमेंट में पे करना होता है, तो आपको इतना अमाउंट पे करना होता है तो आप ये पे कर सकते हो। आप अनअकैडमी ऐप पे आ सकते हो जहाँ पे आपको प्लस की क्लासेस दी जाती हैं और यहाँ पे आपको फ्री क्लासेस भी मिलती हैं जो स्पेशल क्लासेस होती हैं। तो आपको उसके लिए सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है प्लस क्लासेस के लिए। तो आप कुमकुम 10 यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो टू गेट 10% ऑफ। और मेरे कोर्सेज के साथ साथ जितने भी CSI UGC NET के एजुकेटर्स हैं आपको सबकी लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाती हैं। तो सिर्फ मेरी नहीं, जितने भी आपके एजुकेटर्स हैं आपको सबकी लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो अगर आपको ये ज्वाइन करना है तो आप ये ज्वाइन कर सकते हो। अब आते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स है। देखो माइक्रो ट्यूबुल में करा चुकी हूँ, माइक्रो फिलामेंट्स का भी रिविजन हो चुका है। अब आते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स पे। इंटरमीडिएट फिलामेंट जो होते हैं नॉर्मली तुम्हारा एक ऐसा फ्रेमवर्क है, एक ऐसे फिलामेंट्स हैं जो सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करते हैं, जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं सेल्स को। अगर ये नहीं होंगे तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं होगी, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए एक बॉडीगार्ड रखा जाता है सेल के द्वारा जो होता है इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो ये काफ़ी स्ट्रांग होंगे ऑब्वियसली, अगर तुम्हारा इंटरमीडिएट फिलामेंट है स्ट्रांग होगा
फ्लेक्सिबल होने वाला है, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी अगर नहीं होगी तो स्ट्रांग नहीं होगा। जितनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होगी उतना ही स्ट्रांग होने वाला है। रोप लाइक फाइबर दैट प्रोवाइड अ मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द सेल दैट आर सब्जेक्टेड टू द फिजिकल स्ट्रेस। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन आ जाती है तुम्हारी बॉडी में जहाँ पे फिजिकल स्ट्रेस वाली कंडीशन आ जाती है, मसल सेल्स खराब हो सकते हैं या फिर एपिथीलियल सेल्स खराब हो सकते हैं, उस कंडीशन में क्या होता है, ये जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करते हैं जो रिक्वायरमेंट होती है कि जिसके से सेल जो है वो प्रोटेक्टेड रहे। अब तुम्हें मैंने बताया यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल हो गया, फिर हमारा माइक्रोफिलामेंट हो गया और बीच में आता है इंटरमीडिएट फिलामेंट। माइक्रोट्यूब्यूल का जो डायमीटर होता है 25 नैनोमीटर अराउंड होता है, जबकि माइक्रोफिलामेंट का 7 नैनोमीटर या फिर 8 नैनोमीटर के अराउंड होता है, जबकि इंटरमीडिएट फिलामेंट जो होते हैं 8 से 11 नैनोमीटर तक कुछ भी हो सकता है, 11 हो सकता है, 10 नैनोमीटर हो सकता है, थोड़ा वेरी करेगा, लेकिन जो साइज होगा बिल्कुल इन दोनों के बीच में आता है। माइक्रो सबसे छोटा होगा जिसमें एक्टिन मॉलिक्यूल्स आते हैं, और ट्यूबुलिन जिसमें प्रोटीन आती है वो सबसे बड़ा होता है। ठीक है, सो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैव अ डायमीटर बिटवीन द 8 एंड 11 नैनोमीटर विच इज इंटरमीडिएट बिटवीन द डायमीटर्स ऑफ द टू प्रिंसिपल एलिमेंट ऑफ साइटोस्केलेटन विच इज माइक्रोट्यूब्यूल एंड द एक्टिन फिलामेंट्स। द इंटरमीडिएट फिलामेंट्स आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द सेल मूवमेंट। तो बेसिकली अगर तुमसे पूछा जाता है कि कौन से जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो साइटोस्केलेटन के जो मॉलिक्यूल्स हैं विच इज रिक्वायर्ड फॉर द मोटिलिटी, तो जो माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड द माइक्रोफिलामेंट विल टेक प्लेस, यू नो, विल टेक पार्ट इन द मूवमेंट। ठीक है, दोनों के दोनों पार्ट करते हैं, लेकिन अगर इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की बात करते हैं दे डू नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द मूवमेंट, जबकि इनडायरेक्टली वो मूवमेंट में हो सकते हैं क्योंकि एक फ्रेमवर्क क्रिएट कर रहे हैं। अगर फ्रेमवर्क क्रिएट कर रहे हैं तो सेल का मूवमेंट कराने में इनडायरेक्टली हेल्प कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली इनका कोई रोल नहीं होता है। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स पॉलीपेप्टाइड्स हैव अ डाइवर्स अमीनो एसिड सीक्वेंसेस, ऑल शेयर अ सिमिलर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन दैट अलाउ देम टू फॉर्म अ सिमिलर लुकिंग फिलामेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की बात करती हूँ, इनकी जो पॉलीपेप्टाइड्स होती हैं, ठीक है, माना ये तुम्हारी एक की पॉलीपेप्टाइड थी और ये दूसरे की पॉलीपेप्टाइड थी, ये जितने भी तुम्हारे डाइवर्स अमीनो एसिड सीक्वेंसेस होते हैं, लेकिन जो इनका स्ट्रक्चर होता है, जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो बिल्कुल सेम होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि तुम्हारे बहुत जो सिमिलर लुकिंग लाइक जो फिलामेंट्स हैं वो यहाँ पे फॉर्मेशन होती है। अब कोई भी तुम्हारे जो दो पॉलीपेप्टाइड है स्पॉन्टेनियसली एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं और तुम्हारा जो रोप लाइक स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे फॉर्म कर सकते हैं। तो कोई भी तुम्हारी फिलामेंट हो, इंटरमीडिएट फिलामेंट हो, स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होने वाला है। अगर स्ट्रक्चर सेम होने वाला है तो आपस में मिलकर क्या बना सकते हैं, डायमंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। पर बेटा यहाँ पे भी एक्सेप्शन होते हैं, तो हम आगे देखेंगे कौन कौन से एक्सेप्शन होते हैं। द पॉलीपेप्टाइड ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट्स ऑल कंटेन अ सेंट्रल रॉड शेप अल्फा हेलिकल डोमेन ऑफ अ सिमिलर स्ट्रेंथ लेंथ एंड होमोलोगस अमीनो सीक्वेंसेस। एक बार फिगर देख लेते हैं, उसके बाद हम इस पे आएंगे तो तुम्हारी थ्योरी इसे भी यहाँ पे कवर कर दिया जाएगा। ये होता है तुम्हारा इंटरमीडिएट फिलामेंट। ठीक है, अगर मैं एक पॉलीपेप्टाइड की बात करती हूँ तो यहाँ पे क्या होता है, एक एन टर्मिनस होगा तुम्हारा और एक सी टर्मिनस होता है। एन टर्मिनस वाला जो रीजन होता है वो हेड रीजन होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, और जो तुम्हारा सी टर्मिनस वाला रीजन होता है वो तुम्हारा टेल रीजन होता है, और बीच में होता है सेंट्रल रॉड डोमेन विच इज अबाउट 310 to 350 अमीनो एसिड, और जो नॉर्मली अल्फा हेलिक्स से फॉर्मेशन उसकी होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये याद होना चाहिए। सो द इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रोटीन कंटेन अ सेंट्रल अल्फा हेलिकल रॉड डोमेन ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 310 अमीनो एसिड। द एन टर्मिनल हेड एंड द सी टर्मिनल टेल डोमेन वेरी इन साइज एंड शेप। तो साइज और शेप में जो है वेरी करने वाले हैं, लेकिन जो एन टर्मिनल होने वाला है वो हेड होगा और जो सी टर्मिनल होने वाला है वो टेल रीजन होने वाला है। देखो, टू सच पॉलीपेप्टाइड्स, माना कि दो तुम्हारे पॉलीपेप्टाइड्स से वो दोनों के दोनों पास में आएंगे, स्पॉन्टेनियसली इंटरेक्ट एज द अल्फा हेलिकल रॉड रैप्स अराउंड ईच अदर टू फॉर्म अ रोप लाइक स्ट्रक्चर। तो रोप लाइक डायमर बना दिया जाएगा, क्योंकि जो दो पॉलीपेप्टाइड आती हैं, ठीक है, दो पॉलीपेप्टाइड आती हैं वो अलाइन करती हैं पैरेलली टू ईच अदर और सेम ओरिएंटेशन में, वेरी इंपॉर्टेंट। माना एक मेरी ये रॉड थी जिसका ये तुम्हारा हेड रीजन हो गया है, तुम्हारा टेल रीजन हो गया है, ये दूसरी वाली हेड रीजन आ गया, तो ध्यान रखना है सेम ओरिएंटेशन में। मतलब अगर एंड टर्मिनल यहाँ पे था तो ये भी एंड टर्मिनल होने वाला है, अगर ये सी टर्मिनल था तो दूसरे वाली का भी सी टर्मिनल यहाँ पे होने वाला है। तो ये पैरेलली अलाइन होती हैं, साथ के साथ सेम ओरिएंटेशन में होती हैं। द डायमर हैज अ पोलैरिटी विद वन एंड डिफाइन द सी टर्मिनाई एंड द अपोजिट एंड बाय द एंड टर्मिनाई। याद रखना है पोलैरिटी का मतलब वो वाला पोलैरिटी नहीं है जो तुम्हारा माइक्रोट्यूब्यूल या फिर माइक्रोफिलामेंट था। माइक्रोट्यूब्यूल का मैंने बताया था वहाँ पे कि तुम्हारी क्या होता है, अल्फा एंड होता है, अल्फा एंड पे कौन सी बाइंड करती है, जीडीपी बाइंड करती है, और तुम्हारा डीपोलीमराइजेशन पॉसिबल होता है, और इसको माइनस एंड भी बोला जाता है। तो ये पोलैरिटी होती थी, और एक होता था बीटा एंड जिसपे जीटीपी बाइंड करता है, और तुम्हारा प्लस एंड होता है जहाँ पे पॉलीमराइजेशन वाला प्रोसेस होता है। तो ये जो कंडीशन होती है जहाँ पे पॉलीमराइजेशन और डीपोलीमराइजेशन एक एंड से होता है, तो ये होता है पोलैरिटी। तो ये तुम्हारे माइक्रोट्यूब्यूल में होता था। जब मैंने माइक्रोफिलामेंट की बात करी थी, जब एक्टिन की बात करी थी, वहां पे बताया था एक पॉइंटेड एंड होता है
ठीक है, एक होता है बार्ब एंड, जो पॉइंटेड एंड होता है वो तुम्हारा कब आएगा, वो आएगा जहाँ पे प्लस माइनस एंड जिसे बोला जाएगा, जहाँ पे एट डी पी बैंड रहता है और तुम्हारा डी पॉलीमराइजेशन डिसअसेंबली पॉसिबल हो पाता है, जबकि जो बार्ब एंड होता है वो तुम्हारा प्लस वाला एंड होता है जहाँ पे तुम्हारा पॉलीमराइजेशन पॉसिबल हो पाता है, तो पोलैरिटी यहाँ पे भी प्रेजेंट होती है। लेकिन जब हम इंटरमीडिएट फिलामेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे कोई वैसी पोलैरिटी नहीं है कि यहाँ पे कोई यू नो पॉलीमराइजेशन हो रहा है, डी पॉलीमराइजेशन हो रहा है, नहीं वो पोलैरिटी नहीं है, यहाँ पे एन ओ सी टर्मिनल वाली पोलैरिटी है, तो ये ध्यान में रखना है, तो उसको पोलैरिटी नहीं माना जाएगा। देखो कैसे होता है, माना तुम्हारा एक पॉलीपेप्टाइड था जिसका एन टर्मिनल था हेड रीजन पे, सी टर्मिनल था ये टेल रीजन पे, ठीक है, बीच में था सेंट्रल डॉट डोमेन। जब दो तुम्हारे सेम पॉलीपेप्टाइड, ठीक है, जो क्योंकि सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, ये बाइंड करेगा यहाँ पे, तो ये तुम्हारा हो गया डाइमर का फॉर्मेशन। डाइमर का फॉर्मेशन जो होता है पैरेलल होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, और ओरिएंटेशन जो होता है उसका, ओरिएंटेशन जो होता है बिल्कुल सेम होता है, मतलब अगर एन टर्मिनल ये वाला है तो दूसरा पॉलीपेप्टाइड भी एन टर्मिनल वाला ही इधर रहने वाला है, जबकि दूसरा वाला पॉलीपेप्टाइड अगर सी टर्मिनल वाला यहाँ पे है तो दूसरा वाला भी सी टर्मिनल पे यहाँ पे होने वाला है, तो मतलब ये पूरा कंबाइन करके एक सी टर्मिनल बना दिया जाता है और पूरा कंबाइन करके एक एन टर्मिनल यहाँ पे फॉर्मेशन कर दिया जाता है। जब टेट्रामर का फॉर्मेशन होता है बेटा, टेट्रामर का फॉर्मेशन जो होता है वो बिल्कुल अपोजिट होता है, मतलब यहाँ पे एन टर्मिनल तुम्हारे दो पॉलीपेप्टाइड्स पे आता है डाइमर वाली कंडीशन में, जब दूसरा डाइमर फॉर्म होता है, मतलब एक डाइमर तो ये वाला हो गया और एक डाइमर दूसरा वाला होगा जिसमें एन टर्मिनल होगा सी टर्मिनल होगा, जब ये आपस में कंबाइन करते हैं तो एक डाइमर का एन टर्मिनल और दूसरे का सी टर्मिनल पास में आते हैं और दूसरे का सी टर्मिनल और इसका एन टर्मिनल ऐसे पास में आते हैं, तो मतलब यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाता है, अपोजिट वाली कंडीशन हो जाती है, एंटी पैरेलल फैशन हो जाता है, जबकि ऊपर वाले में जब डाइमर फॉर्मेशन था तो ये पैरेलल फैशन था, ये याद रखना। जब तुम्हारा ये टेट्रामर फॉर्म हो जाता है तब तुम्हारा होता है प्रोटोफिलामेंट का फॉर्मेशन, ठीक है, प्रोटोफिलामेंट का फॉर्मेशन होगा जब बहुत से डायमंड यूनिट इसमें बाइंड कर जाएंगी, तो प्रोटोफिलामेंट जब आठ प्रोटोफिलामेंट जब मिल जाते हैं तो तुम्हारा क्या बना देते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है। पहले प्रोटोफिलामेंट बनेगा, ये बन गया तुम्हारा प्रोटोफिलामेंट, फिर आठ ऐसे मिलेंगे और आठ मिलने के बाद में तुम्हारा ये इंटरमीडिएट जो फिलामेंट है यहाँ पे फॉर्म कर दिया जाएगा, तो ये होता है तुम्हारा फॉर्मेशन इंटरमीडिएट फिलामेंट का, अगर कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है तो। The central rod domain of the two polypeptide bind each other in a coiled coil structure to form dimers. The dimers then associate in a staggered anti-parallel fashion to form a tetramer. Now these tetramers associate end to end to form a protofilament and laterally to form filaments. Each filament contain approximately eight protofilament. Approximately eight protofilament होते हैं, याद रखना है, wound each other in the rope-like structure. और rope-like structure के form में ये एक दूसरे से bind कर जाते हैं। तो ये होता है तुम्हारा फॉर्मेशन असेंबली अगर देखा जाएगा तो। नाउ फिलामेंट असेंबली रिक्वायर्स अ इंटरेक्शन बिटवीन द स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रोटीन। अब अगर फिलामेंट बन रहा है और तुम्हारा जब नंबर ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट पास में मिल रहे हैं, असेंबली फॉर्मेशन कर रहे हैं, वहाँ पे इंटरमीडिएट फिलामेंट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो जो स्पेसिफिक टाइप के इंटरमीडिएट फिलामेंट की जो प्रोटीन्स है वो पास में आते हैं, जैसे केराटिन फिलामेंट हो गया आर ऑलवेज असेंबल फ्रॉम द हेटरोडाइमर्स कंटेनिंग। अगर तुम्हें केराटिन फिलामेंट्स बनाने हैं, मतलब केराटिन जो होते हैं तुम्हारे सॉफ्ट भी होते हैं हार्ड भी होते हैं, जैसे तुम्हारे नेल्स हो गए, तुम्हारे हुफ्स हो गए और तुम्हारे हेयर्स कंडीशन हो गए, तो हेयर वगैरह जितने भी होते हैं तुम्हारे केराटिन फिलामेंट्स होते हैं, केराटिन से मिलकर बने होते हैं। ये जो फिलामेंट होते हैं आर ऑलवेज असेंबल्ड फ्रॉम हेटरोडाइमर्स, मतलब जो टाइप वन और टाइप फोर है, ठीक है, सॉरी टाइप सेकंड जो है वो आपस में मिलेंगे और तुम्हारा क्या बनाते हैं, केराटिन फिलामेंट का फॉर्मेशन किया जाता है। बेटा ये मैं तुम्हें जब तुम्हें टाइप समझाऊंगी तब उसके बेसिस पे समझ में आ जाएगा, ये वाला पॉइंट तुम आगे के लिए रखो क्योंकि तुम्हें शायद ये भी समझ में ना आए। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स आर जनरली मोर स्टेबल देन द एक्टिन फिलामेंट। अगर कभी ये क्वेश्चन आता है कि इंटरमीडिएट फिलामेंट क्या स्टेबल है, अगर मैं बात करती हूँ एक्टिन फिलामेंट के माइक्रोट्यूबुल की, तो यस, क्यों अगर स्टेबल है, क्योंकि स्टेबल इसीलिए है कि इनके पास कोई बोझ नहीं है, इनके पास कोई पोलैरिटी नहीं है, कोई डायनेमिक बिहेवियर नहीं है इनका कि यहाँ पे पॉलीमराइजेशन हो रहा है या डी पॉलीमराइजेशन हो रहा है। अगर माइक्रोट्यूबुल में कोई भी ड्रग बाइंड कर जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, डी पॉलीमराइजेशन हो जाता है, तो इंटरमीडिएट फिलामेंट में ये वाला कंडीशन अप्लाई नहीं होता है क्योंकि वहाँ पोलैरिटी होती नहीं है, वहाँ पे ये ट्रेडमिलिंग वाला प्रोसेस है, जो डायनेमिक बिहेवियर उसके पास है ही नहीं, तो यहाँ स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। सो द इंटरमीडिएट फिलामेंट्स आर जनरली मोर स्टेबल देन द एक्टिन फिलामेंट और द माइक्रोट्यूबुल एंड डू नॉट एग्जिबिट द डायनेमिक बिहेवियर, ठीक है, जो से ट्रेडमिलिंग होता है वो सब इनके पास में नहीं होता है, इसलिए स्टेबिलिटी इनकी ज्यादा होती है। चलो ये हम आगे पढ़ेंगे, ये मैं तुम्हें समझा चुकी हूँ, एक बार देख लो बेशक।
फर्स्ट स्टेज ऑफ द फिलामेंट असेंबली इज द फॉर्मेशन ऑफ डाइमर्स. डाइमर्स बन जाएंगे. द डाइमर्स देन एसोसिएट इन अ स्टेगर्ड एंटीपेलर फैशन टू फॉर्म अ टेट्रामर. अभी जो टेट्रामर बनते हैं, एट जो क्लोरोफिलामेंट है अप्रॉक्सीमेटली वो आपस में बाइंड करेंगे, रोप लाइक स्ट्रक्चर बना देंगे और तुम्हारा इंटरमीडिएट फिलामेंट जो है यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा. इंटरमीडिएट फिलामेंट आर टेंड टू बी लेस सेंसिटिव टू द केमिकल एजेंट देन एंड तभी तो इनको स्टेबिलिटी बोला जा रहा है कि अगर तुम माइक्रोट्यूबुल पर डालते हो या फिर माइक्रोफिलामेंट पर डालते हो स्टेबिलिटी ज्यादा नहीं होती है. वो बिल्कुल डिफ्यूज हो जाएंगे, सॉल्युबलाइज हो जाएंगे, बिल्कुल भी अच्छे से काम नहीं करेंगे. लेकिन अगर इंटरमीडिएट फिलामेंट की बात करेंगे तो बहुत ज्यादा सेंसिटिव नहीं होते हैं एज कम्पेयर टू द तुम्हारा माइक्रोट्यूबुल एंड माइक्रोफिलामेंट. ट्रीटमेंट ऑफ अ सेल विद आयनिक डिटर्जेंट एक्सट्रैक्ट्स आर जस्ट अबाउट एवरीथिंग एक्सेप्ट द सेल इंटरमीडिएट फिलामेंट बिकॉज ऑफ देयर इनसॉल्युबिलिटी. अगर क्वेश्चन में कभी ये आता है कि तुम्हारा इंटरमीडिएट फिलामेंट है और तुमने आयनिक डिटर्जेंट से उसको ट्रीट करा, ठीक है, सेल को ट्रीट करा, तो जो माइक्रोट्यूब्यूल होगा, जो माइक्रोफिलामेंट होगा, वो सारे के सारे निकल के आ जाएंगे. एक्सट्रैक्ट कर सकते हो लेकिन इंटरमीडिएट फिलामेंट को एक्सट्रैक्ट नहीं किया जा सकता है. क्यों? क्योंकि वो इनसॉल्युबल होते हैं. वे वेरी इंपॉर्टेंट. क्या होते हैं बेटा? इनसॉल्युबल होते हैं तो उनको निकालना बहुत ही मुश्किल काम है. इंटरमीडिएट फिलामेंट्स आर कंट्रोल्ड प्राइमरीली बाय द फॉस्फोराइलेशन एंड डीफॉस्फोराइलेशन ऑफ द सब यूनिट. दिस इज इंपॉर्टेंट. अगर इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की बात करते हैं तो तुम्हारा अगर कंट्रोल करना है उनका फॉर्मेशन तो तुम्हारा फॉस्फोराइलेशन कराना पड़ेगा या फिर डीफॉस्फोराइलेशन कराना पड़ेगा. जैसे माना एक विमेंटिन था तुम्हारा. विमेंटिन क्या है बेटा? एक फैमिली है, एक इंटरमीडिएट फिलामेंट है जिसमें क्या होता है अगर उसका फॉस्फोराइलेशन करा दिया जाता है बाय द प्रोटीन काइनेज ए. अगर प्रोटीन काइनेज ए वहाँ पे उसका फॉस्फोराइलेशन करा देता है तो उसकी डिसअसेंबली हो सकती है, वो टूट सकता है, डिसअसेंबली हो सकती है. तो ये तुम्हें याद रखना है. और न्यूक्लियर लेमेंस वाला जो मैं एग्जांपल आगे समझाने वाली हूँ, बेसिक यहाँ पे समझा देती हूँ एक बार. ये तुम्हारा न्यूक्लियर एनवलप हो चुका है, ठीक है. न्यूक्लियर एनवलप है जो तुम्हारा क्या करता है, माइटोसिस के टाइम पे जब तुम्हारा होता है इंटरमीडिएट, जब तुम्हारा यू नो जी टू फेज होता है तब तुम्हारा न्यूक्लियर एनवलप होगा, न्यूक्लियर फिलामेंट्स उससे बाइंड होंगे. लेकिन जैसे तुम्हारा प्रोफेज में आता है तो वहाँ पे न्यूक्लियर एनवलप का ब्रेकडाउन हो जाता है. क्यों हो जाता है? क्योंकि जो न्यूक्लियर एनवलप बना होता है वो न्यूक्लियर लेमिन से बना होता है बेटा. किससे बना है? न्यूक्लियर लेमिन से बना हुआ है, लेमिन्स से, ठीक है. ये जो लेमिन्स होते हैं ए बी सी तीन टाइप की होती हैं. तो क्या होता है जब तुम्हारा माइटोसिस प्रमोटिंग फैक्टर आते हैं वो क्या करते हैं इसका काइनेसिस करा के इसका क्या करते हैं फॉस्फोराइलेशन करा दिया जाता है. और जैसे ही फॉस्फोराइलेशन होता है यहाँ से क्या हो जाता है डिसअसेंबली हो जाती है इसके. और डिसअसेंबली होते ही तुम्हारा जो न्यूक्लियर एनवलप है वो ब्रेकडाउन होता है. जो न्यूक्लियर एनवलप है या फिर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है यहाँ पे टूट जाती है और तुम्हारा यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियर एनवलप प्रेजेंट नहीं होता है. तो ये वाली कंडीशन भी होती है. फॉस्फोराइलेशन वाला एग्जाम्पल मैंने दे दिया है, आगे और अच्छे से इसको समझा दूंगी. नाउ टाइप्स एंड फंक्शन ऑफ द इंटरमीडिएट फिलामेंट, तो पहले देख लेते हैं कौन कौन से टाइप है उसके बाद हम ये पढ़ेंगे. टाइप होते हैं इसके छह, वेरी इंपॉर्टेंट, सारे के सारे याद होने चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में कभी भी कुछ भी पूछा जाता है तो ध्यान में रहना चाहिए कि कौन कौन से यहाँ पे इसके टाइप होते हैं. जो टाइप वन होता है बेटा वो होता है एसिडिक केराटिन, ठीक है. एसिडिक केराटिन जो होता है इसका टाइप वन होता है. टाइप टू जो होता है न्यूट्रल एंड द बेसिक केराटिन होता है, ठीक है. अब एसिडिक केराटिन की बात करती हूँ या फिर न्यूट्रल बेसिक केराटिन की बात करती हूँ, दोनों के दोनों तुम्हारे एपिथेलियल सेल्स में पाए जाते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न क्योंकि तुम्हारे क्वेश्चंस कभी भी आ सकते हैं. तो जस्ट रिमेंबर दिस से बोथ द एसिडिक केराटिन एंड द न्यूट्रल केराटिन आर फाउंड इन द एपिथेलियल सेल्स, ठीक है. तो दोनों के दोनों एपिथेलियल में सेल्स में पाए जाते हैं, इस चीज को याद रखना है. उसके बाद आता है टाइप थर्ड. टाइप थर्ड जो होता है उसमें तीन चीजें होती हैं, विमेंटिन हो गया, डेस्मिन हो गया, ग्लाइल फेब्रिली एसिडिक प्रोटीन्स हो गया. नाउ दीज विमेंटिन विच इज इंटरमीडिएट फिलामेंट्स एंड दीज प्रोटीन्स आर फाउंड इन द फाइब्रोब्लास्ट एंड द वाइट ब्लड सेल्स. सो वाइट ब्लड सेल्स हो गया, फाइब्रोब्लास्ट हो गया, वहाँ पे तुम्हारा विमेंटिन पाया जाता है. और जैसे मैंने अभी बताया अगर विमेंटिन को वहाँ से डिसअसेंबली करना है, अगर हटाना है तो तुम्हें क्या करना होगा, वहाँ पे तुम कोई भी प्रोटीन काइनेज ही डाल दो वहाँ पे, तो काइनेजेस क्या करेंगे फॉस्फोराइलेट कर देंगे और फॉस्फोराइलेशन के बाद में इनका रिमूवल पॉसिबल है. तो फॉस्फोराइलेशन एक इनका तरीका है. कोई भी ड्रग डालोगे तो इनसॉल्युबल हो जाएगा, तो वहाँ से उसको निकालना मुश्किल हो जाता है. नाउ डेस्मिन की अगर मैं बात करती हूँ तो ये तुम्हारे मसल्स में पाए जाते हैं. आई होप तुम लोगों को पता भी होगा जो डेस्मिन है विच इज रिलेटेड टू द मसल्स. सो ग्लाइल फिब्रिली एसिडिक प्रोटीन, सो ग्लाइल सेल्स जो होती हैं दे आर फाउंड इन द योर ब्रेन. नाउ द ग्लाइल फिब्रिली एसिडिक जो प्रोटीन्स होते हैं दे आर बेसिकली यू नो लोकलाइज्ड इन द एस्ट्रोसाइट्स, ठीक है. एस्ट्रोसाइट्स आर द स्टार शेप सेल्स जो तुम्हारी ब्रेन में प्रेजेंट होती हैं, तो ग्लाइल सेल्स भी बोला जाता है. तो ये तुम्हारा ब्रेन वाला यू नो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं. उसके बाद टाइप फोर्थ आता है जिसमें न्यूरोफिलामेंट प्रोटीन्स आती हैं, जैसे एल हो गया, एच हो गया और एम हो गया. तीनों के तीनों होती हैं, एल, एच और एम. ये जितने भी न्यूरोफिलामेंट प्रोटीन्स हैं बेसिकली द इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रोटीन्स आर फाउंड इन द न्यूरॉन्स. तो अगर कभी क्वेश्चन आता है कि कौन सी ऐसी इंटरमीडिएट फिलामेंट की प्रोटीन्स हैं जो तुम्हारे न्यूरॉन्स में पाई जाती हैं,
तो NFL हो गया, H और M हो गया, MHL याद रखो, HLM याद रखो, जो भी याद रख सकते हो वैसे याद रखो, क्योंकि क्वेश्चन में अगर कभी पूछा जाएगा तो इनमें पूछा जा सकता है। टाइप फिफ्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, न्यूक्लियर लेमेंस। तो जैसे मैंने बताया जो न्यूक्लियर लेमेंस होते हैं तुम्हारे न्यूक्लियर एनवलप का फॉर्मेशन करते हैं, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उसका फॉर्मेशन करते हैं। तो अगर इंटरमीडिएट फिलामेंट के जो न्यूक्लियर लेमेंस है वो तुम्हारा न्यूक्लियर एनवलप बना रहे हैं, ये तुम्हारा न्यूक्लियर एनवलप हो गया। तो अगर ये बना रहे हैं, अगर इनका फॉस्फोरिलेशन कर दिया जाता है बाय द माइटोसिस प्रमोटिंग फैक्टर्स, तो ये क्या होते हैं, डिसअसेंबली हो जाते हैं, तुम्हारे जो न्यूक्लियर एनवलप है उसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ से प्रॉपरली टूट जाती है। ठीक है, तो कब टूटेगी, जब तुम्हारा प्रोफेज एंटर मारेगा तब तुम टूट जाएगी, टूटने के बाद टीलोफेज में वो रीअपेयर हो जाती है, वापस से तुम्हारी बन जाती है। क्यों, क्योंकि इन न्यूक्लियंस को क्या करता है, डीफॉस्फोराइलेट कर दिया जाता है। तो ये याद रखना है, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट आता है नेस्टिन। नेस्टिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखना, अगर नेस्टिन की बात आती है तो स्टेम सेल से रिलेटेड है, तो वहाँ पर ये पाया जाएगा, ये भी एक इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रोटीन है, तो ये याद रखना है। आई एम सॉरी, देखो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ अ वैरायटी ऑफ द प्रोटीन दैट आर एक्सप्रेस्ड इन डिफरेंट टाइप ऑफ द सेल। बहुत सारी प्रोटीन्स हमें पता करी गई हैं, 65 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन जो हमें पता है कि इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होती हैं। और तुम्हें ये भी पता है जो 6 ग्रुप हैं, जितने तुम्हारे 6 मैंने टाइप्स पढ़ाए हैं, उनमें सिमिलैरिटीज होती हैं, उनके अमाइनो एसिड सीक्वेंसेस में जो स्ट्रक्चर होता है बेसिकली ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। नाउ द टाइप 1 एंड द टाइप 2 कंसिस्ट ऑफ द 2 ग्रुप्स ऑफ केराटिन्स। ठीक है, टाइप 1 और टाइप 2 जैसे मैं बताया, एसिडिक केराटिन होते हैं और बेसिक केराटिन होते हैं, जो तुम्हारे एपिथेलियल सेल्स में पाए जाते हैं। अब टाइप 1 और टाइप 2 में क्या होता है, जो केराटिन होते हैं या फिर तो वो हार्ड हो सकते हैं, हार्ड केराटिन हो सकते हैं, हार्ड केराटिन में जो आ जाते हैं तुम्हारे हेयर हो गया, ठीक है, नेल्स हो गए, नेल्स के साथ थॉर्न हो गए, ये सारे के सारे तुम्हारे हार्ड केराटिन में आ जाते हैं। अगर मैं सॉफ्ट केराटिन की बात करती हूँ, ठीक है, सॉफ्ट केराटिन की बात करती हूँ, तो यहाँ पे जो आते हैं तुम्हारे ये भी तुम्हारा एपिथेलियल सेल से पाए जाते हैं, और इंटरमीडिएट फिलामेंट जो है यहाँ पे भी मिलते हैं। तो इस चीज़ को याद रखना है अगर कभी क्वेश्चन आएगा तो। आते हैं विमेंटिन। विमेंटिन जो होते हैं तुम्हारे कहाँ मिलेंगे, ये तुम्हारे जैसे वाइट ब्लड सेल्स, मैंने बताया स्मूथ मसल सेल्स बताया, तुम्हारा फाइब्रोब्लास्ट बताया, तो ये जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की प्रोटीन है वो यहाँ यहाँ पे पाई जाती हैं। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, एक्सेप्शन है कि अगर तुम कोशिश करते हो, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि जो इंटरमीडिएट फिलामेंट होते हैं उनका जो स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी होती है काफ़ी होती है, जिसकी वजह से आपस में साथ में मिल सकते हैं, लेकिन अगर तुम कोशिश करोगे कि नहीं नहीं मैं विमेंटिन और केराटिन दोनों को क्या करूंगा, साथ में को पॉलीमराइज करूंगा, जो विमेंटिन का जो पॉलीपेप्टाइड है वो केराटिन के पॉलीपेप्टाइड से डाइमर का फॉर्मेशन करूंगा, को पॉलीमराइज कराने वाला हूँ, तो को पॉलीमराइजेशन यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाता है। अगर विमेंटिन और केराटिन को मिलाने की कोशिश करोगे तो वापस में को पॉलीमराइज नहीं करते हैं। अगर इनमें इतनी गहरी दुश्मनी होती है, क्या दुश्मनी होती है, अगर विमेंटिन कहीं प्रेजेंट है, इफ दे एक्सप्रेस्ड इन द सेम फिलामेंट, अगर दोनों के दोनों साथ में आ जाते हैं, देन दिल फॉर्म अ सेपरेट फिलामेंट सिस्टम। पहली बात तो अगर तो एक तुम्हारा केराटिन प्रेजेंट है तो वहां पे विमेंटिन प्रेजेंट नहीं होगा, अगर तुम्हारा विमेंटिन प्रेजेंट है तो केराटिन प्रेजेंट नहीं होगा, इतनी दुश्मनी है। अगर दोनों साथ में भी आ जाते हैं तो अपने किसी और दोस्त के साथ बिजी हो जाते हैं, आपस में बिल्कुल बात नहीं करते हैं, वो किसी और के साथ को पॉलीमराइज हो जाएगा, वो किसी और के साथ में को पॉलीमराइज हो जाएगा। तो इसको याद रखना है अगर कभी क्वेश्चन में आए तो। अनलाइक एक्टिन फिलामेंट, विमेंटिन फॉर्म्स अ नेटवर्क एक्सटेंडेड आउट फ्रॉम द न्यूक्लियस टुवर्ड्स द सेल पेरिफेरी। तो मैंने बताया था जो काइनेसिन प्रोटीन्स हैं या फिर तुम्हारी जो भी माइक्रो एक्टिन फिलामेंट्स हैं, उनका जो सीक्रेशन होता है, उनका जो फॉर्मेशन होता है, जो तुम्हारा ट्रांसपोर्ट में काम कर रहे हैं, सेल पेरिफेरी पे जो काम कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, सेल के इंटीरियर से एक्सटीरियर की ओर जाते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ विमेंटिन की, तो वो भी यही काम करते हैं, अगर उन्हें नेटवर्क बनाना है तो वो सेल के सेंटर से पेरिफेरी की ओर वहाँ पे जाएंगे, टुवर्ड्स सेल पेरिफेरी मूव करते हैं। तो ये चीज़ें याद रखनी, कभी कभी ये क्वेश्चन में घुमाने के लिए, क्योंकि तुम्हें कंफ्यूज करने का इससे ज्यादा बेटर तरीका उनके पास और कुछ भी नहीं है, तो ये बहुत बेटर तरीका होता है, तो इसको याद रखना है। अब मैंने डेस्मिन बताया, डेस्मिन कहाँ पे होता है, तुम्हारा मसल सेल्स में होता है। अब तुम्हें पता है कि जो डेस्मिन प्रोटीन है ये क्या करती है, तुम्हारा जेड डिस्क पता है तुम्हें, सार्कोमियर की एक यूनिट होगी जेड डिस्क, ये जेड डिस्क को एक आपस में कनेक्ट करती है। ठीक है, जैसे ये माना मेरा जेड डिस्क ये था, सेकंड ये वाला ये था, तो इन दोनों को आपस में ये कवर करती है, यूनिट कनेक्ट कराने में हेल्प करती है, तो ये एक इंटरमीडिएट फिलामेंट है, इसको भी याद रखना। फोर्थ इंटरमीडिएट फिलामेंट्स प्रोटीन इंक्लूड द एल एल एम और एच। ठीक है, एल एम एच है या फिर एम एच एल है, एच एम एल है, कुछ भी तुम बोल सकते हो, विच मीन्स लाइट मीडियम और हाई। ठीक है, लाइट मीडियम और हाई हैवी जो कंडीशन होती है। ये जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का मेजर पार्ट जो है, जो मेजर पार्ट जो है न्यूरॉन्स में पाया जाता है, जो मैं तुम्हें समझा चुकी हूँ, ये याद रखना है।
पर्टिकुलरली अबंडेंट इन द एक्सोन्स ऑफ द मोटर न्यूरॉन्स एंड आर थॉट टू प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन सपोर्टिंग दीज लॉन्ग थिन प्रोसेसेस व्हिच इन एक्सटेंड मोर देन मीटर लेंथ। तो जो एक्सोन होता है वहाँ पे तुम्हारे ज्यादा प्रेजेंट होते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, न्यूरो फिलामेंट्स, बिकॉज ये एक्सोन को सपोर्ट करते हैं मोटर फिलामेंट्स के। ठीक है, ये याद रखना अगर कभी क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो। अब आते हैं टाइप फिफ्थ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, क्योंकि जो नॉर्मली क्वेश्चन आते हैं वो टाइप फिफ्थ वाले से ही आते हैं, और तो क्वेश्चन ज्यादा नहीं देखने को मिलते हैं लेकिन टाइप फिफ्थ वाले क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। टाइप फिफ्थ इंटरमीडिएट फिलामेंट्स प्रोटीन्स आर द न्यूक्लियर लैमिन्स। तो ये क्या होती है, न्यूक्लियर लैमिन्स होती है जो तुम्हारी यूकैरियोटिक सेल्स में पाई जाती है मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, ये यूकैरियोट्स में पाई जाएंगे। न्यूक्लियर लैमिन्स आर द कॉम्पोनेंट ऑफ द न्यूक्लियस वे दे असेंबल टू फॉर्म अ ऑर्थोगोनल मेश वर्क अंडरलाइंग द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड एक्सटेंडिंग मोर डिफ्यूजली इनटू द न्यूक्लियस। ठीक है, तो न्यूक्लियर लैमिन्स का तुम्हें फॉस्फोराइलेशन वाला पता होना चाहिए। फॉस्फोराइलेशन जैसे ही हो जाएगा वहाँ पे क्या होगा, डिसअसेंबली करा दी जाती है, इनकी डिसअसेंबली करा दी जाती है। अगर डीफॉस्फोराइलेशन करा दिया जाएगा तो वापस से असेंबल ये कर जाएंगे। तो ये न्यूक्लियर लैमिन्स का फंक्शन होता है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट आता है नेस्टिंस। बेटा नेस्टिंग जो होता है तुम्हारा टाइप सिक्स इंटरमीडिएट फिलामेंट्स है, आर एक्सप्रेस्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन द सेवरल टाइप ऑफ स्टेम सेल्स। दे डिफर फ्रॉम अदर इंटरमीडिएट फिलामेंट इन दैट दे ओनली पॉलीमराइज इफ अदर इंटरमीडिएट फिलामेंट्स आर प्रेजेंट इन द सेल। सो ये सब लोगों से अलग क्यों है कि ये क्योंकि नॉर्मली क्या था, तुम्हारा को पॉलीमराइजेशन वाला प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैंने तुम्हें बताया विमेंटिन और केराटिन साथ में लेके आओगे तो साथ में नहीं करेंगे। ठीक है, वो बिल्कुल भी अपना पॉलीमराइजेशन नहीं करेंगे, लेकिन ये तभी पॉलीमराइज करता है जब तुम्हारे और भी इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रेजेंट हो। मतलब इसको अपनी फैमिली साथ में चाहिए, अगर फैमिली साथ में नहीं होगी तो ये ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो ये याद रखना। Keratin filament of epithelial cells are tightly anchored to the plasma membrane at two areas of a specialized cell contact, desmosome and hemidesmosome. ये important है, याद रखना। कभी कभी ये question पूछा जाता है कि intermediate filament से कौन से तुम्हारे cell adhesion जो molecules हैं वो bind करते हैं। तो desmosome और hemidesmosome एक ऐसे हैं जो तुम्हारे क्या करते हैं, cell contact properly बनाएंगे। keratin filament से भी bind रहते हैं, जो तुम्हारे intermediate filaments हैं उनसे भी anchored रहने वाले हैं। It is important to note that keratin filament anchored to both sides of desmosome serve as a mechanical link between the adjacent cells in the epithelial layer, thereby providing the mechanical stability to the entire tissues. यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ये देख लेते हैं एक बार क्या होता है। देखो ये मैंने माना तुम्हारा, हाँ ये डेस्मोसोम वाला देख लेते हैं, ये तुम्हारा डेस्मोसोम वाला पार्ट हो गया है। तो तुम्हारा यहाँ पे डेस्मोग्लीन प्रोटीन होता है, डेस्मोकोलिन होता है। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया डेस्मोग्लीन। ये किससे बाइंड होता है, प्लेकोफिलिन या फिर प्लेकोग्लोबिन से बाइंड होता है। अब क्या करता है तुम्हारा, ये तो सेल का मैट्रिक्स हो गया है, सेल का मैट्रिक्स हो चुका है। एक ये सेल हो चुकी है, ये दूसरी सेल हो चुकी है, दो सेल हो चुकी है, सेल वन एंड सेल टू, ये बीच वाला एक्स्ट्रा सेलर मैट्रिक्स हो चुका है। अब सेल क्या है, आपस में कनेक्शन करती है। कनेक्शन कैसे कर रही है, तुम्हारे डेस्मोसोम के थ्रू कर रही है, या फिर डेस्मोग्लीन हो गया, डेस्मोकोलिन हो गया, ये आपस में कनेक्शन कर रही है। अब इनको पकड़ने वाला भी तो चाहिए, अगर ये आपस में ये कनेक्ट कर रही है तो तुम्हारे हाथ को पकड़ा हुआ तो इन लोगों ने है ना, मेन सपोर्ट कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे तुम रस्सी खींचते हो, ठीक है, रस्सी खींचते हो, अब जो दो लोग हैं वो आपस में जो बिल्कुल खींच रहे हैं, अब वो लोग जितना फोर्स लगा रहे हैं वो ठीक है, लेकिन जो पीछे वाले लोग हैं वो ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं ना, तभी पॉसिबल हो पा रहा है कि ये इधर जा पा रहा है या फिर इधर जा पा रहा है। तो वैसे याद रखना है, डेस्मोग्लीन या फिर डेस्मोकोलिन अगर तुम्हारे साथ में यहाँ पे मिल रहे हैं तो इंपॉर्टेंट क्या होता है, जो इंटरमीडिएट फिलामेंट होते हैं इनको सपोर्ट करते हैं, सो फ्रेमवर्क को सपोर्ट करते हैं। तो पीछे जो होते हैं तुम्हारे इंटरमीडिएट फिलामेंट होने वाले हैं, और उसके बाद यहाँ पे पूरा सपोर्ट सिस्टम वो लोग ही संभालते हैं। ये जो डेस्मोप्लेकिन हो गया, डेस्मोफिलिन हो गया, इन प्रोटीन्स को संभाला जाता है, तो ये याद रखना है। डेस्मोसोमल कैदरेंस, डेस्मोग्लीन हो गया, डेस्मोकोलिन हो गया, लिंक एडजॉइनिंग सेल्स। तो ये क्या करते हैं, कैदरेंस हैं जो सेल्स को जोड़ते हैं आपस में, और इन सेल के पास में इंटरमीडिएट फिलामेंट होता है जो ये प्लेकोग्लोबिन, प्लेकोफिलिन, डेस्मोप्लेकिन को बाइंड करके रखेगा। तो याद रखना है, क्वेश्चन अगर आएगा तो। इंटेग्रिन लिंक द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स टू द इंटरमीडिएट फिलामेंट थ्रू द प्लेक्टिन। और क्या होता है तुम्हारा, जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है वो जो हमारे डेस्मोप्लेक्टिन हो गया, जो हेमोडेस्मोसोम वाला पार्ट आता है जिसमें प्लेक्टिन प्रेजेंट होते हैं, वो उनको पकड़ के रखेंगे, BP20/30 को पकड़ के रखेंगे, जिसकी वजह से जो इंटेग्रिन होते हैं, इंटेग्रिन क्या करते हैं बेटा, तुम्हारे सेल का एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से कॉन्टेक्ट कराने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे ये जो उसके डिफरेंट डिफरेंट सब यूनिट्स होती हैं उनको बाइंड करके रखेंगे कि तुम कहीं छूट ना जाओ। तो प्रॉपरली यहाँ पे क्या करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो हेमीडेस्मोसोम की बात करी जाए, डेस्मोसोम्स की बात करी जाए, तब ये तुम्हारे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा इंटरमीडिएट फिलामेंट, याद रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर्स हैं, एक बार ये देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम तीनों का कंपेरिजन पढ़ेंगे, जो माइक्रोट्यूब्यूल हो गया, माइक्रोफिलामेंट हो गया, और तुम्हारा कौन सा हो गया, इंटरमीडिएट फिलामेंट हो गया।
डिसऑर्डर्स में क्या होता है, डेस्मिन प्लेज अ की स्ट्रक्चर रोल इन मेंटेनिंग द अलाइनमेंट ऑफ द मायोफाइब्रिल्स। तुम्हें पता है डेस्मिन जो होती है तुम्हारी मसल्स में होती है, जो जेड डिस्क होती है उनका कॉम्बिनेशन बना के रखती है, उसको पूरी तरह बाइंड करके रखती है। तो डेस्मिन क्या करती है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है अगर मैं बात करती हूँ मायोफाइब्रिल की, जो मसल सेल्स में होती है। द एबसेंस ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट, अगर इंटरमीडिएट फिलामेंट नहीं होंगे तो ये क्या करती है, जो तुम्हारी मसल्स हैं वो फ्रेजाइल हो जाएंगी। जो डेस्मिन है वो इंटरमीडिएट फिलामेंट है, अगर वो नहीं होगा तो तुम्हारा क्या होगा, फ्रेजाइल वाली कंडीशन आ जाएगी। एक इनहेरिटेड ह्यूमन डिसऑर्डर हो जाता है विच वी कॉल डेस्मिन रिलेटेड मायोपैथी इज कॉज्ड बाय द म्यूटेशन इन द जीन दैट एनकोड्स द डेस्मिन। अगर डेस्मिन नहीं होगा तो तुम्हारी जो मसल्स हैं वो फ्रेजाइल हो जाएंगी, चल फिर नहीं पाएगा इंसान, डेस्मिन रिलेटेड मायोपैथी होती है। तो ये याद रखना है अगर कभी क्वेश्चन में आए तो। नेक्स्ट इज एपिडर्मोलाइसिस बुलोसा सिंप्लेक्स, EBS जैसे बोला जाता है, एपिडर्मोलाइसिस बुलोसा सिंप्लेक्स। इसमें क्या होता है कि तुम्हारे स्किन के ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, स्किन पर बहुत ज्यादा ब्लिस्टर्स हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो केराटिन जीन का है उसका म्यूटेशन हो जाता है, जो इंटरफेयर कर देता है तुम्हारे केराटिन फिलामेंट की असेंबली से, और जिसकी वजह से क्या होता है तुम्हारा यहाँ पे एपिडर्मोलाइसिस बुलोसा सिंप्लेक्स जो है डिसऑर्डर है वो यहाँ पे हो जाता है, ये डिजीज जो है बेसिकली हो जाती है। अमायोट्रॉफिक लेटरल स्क्लेरोसिस ALS जिसे बोला जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। अमायोट्रॉपिक लेटरल स्क्लेरोसिस या फिर लाओ गेहरिक डिजीज जिसे बोला जाता है, जो तुम्हारे स्टीफन हॉकिंग्स में हुई थी, आई होप ये तुम लोगों ने देखा भी होगा कैसे उनको हुई थी। इसमें क्या हुआ था, तुम्हारे जो मोटर न्यूरॉन्स हैं बेसिकली, ये उनकी डिजीज होती है। वहाँ पे क्या होता है, तुम्हारा एक्यूमुलेशन हो जाता है, एबनॉर्मल असेंबली हो जाती है न्यूरोफिलामेंट की, मतलब ओवर एक्सप्रेशन हो जाता है। तुम्हारे जो न्यूरोफिलामेंट थे एल लाइट वाला, मिडिल वाला और हैवी वाला, तीनों के तीनों क्या होता है, ओवर एक्सप्रेशन जब हो जाता है तो तुम्हारा क्या होता है कि ऐसी कंडीशन आ जाती है जहाँ पे यू नो मोटर न्यूरॉन जो डिजीज है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी, तुम्हारा बहुत ज़्यादा यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा तो जिसकी वजह से अमायोट्रॉपिक लेटरल स्क्लेरोसिस जो है यहाँ पे हो जाती है। ठीक है, तो ये याद रखना है यहाँ से क्वेश्चन अगर आएगा तो। एग्रीगेशन ऑफ न्यूरोफिलामेंट्स इन अ सेवरल ह्यूमन न्यूरोडेजेनरेटिव डिसऑर्डर लाइक ALS हो गया, पार्किंसंस डिजीज हो गया, तो वहाँ पे ये इंटरमीडिएट फिलामेंट के जो न्यूरोफिलामेंट्स है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं, जो न्यूरोडेजेनरेटिव डिसऑर्डर्स होते हैं वहाँ पे ये देखने को मिल सकते हैं। दीज न्यूरोफिलामेंट्स एग्रीगेट में ब्लॉक एक्सोनल ट्रांसपोर्ट लीडिंग टू द डेथ ऑफ द न्यूरॉन्स। तो अगर बहुत ज़्यादा एग्रीगेट का फॉर्मेशन हो जाता है, अगर बहुत ज़्यादा तुम्हारा यू नो फॉर्मेशन होने लग जाएगा तो तुम्हारा क्या होगा, यहाँ पे एग्रीगेशन बहुत फॉर्म होने लग जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से डिसऑर्डर जो होता है बहुत काफी बढ़ जाएगा यहाँ पे, और डेथ भी हो सकती है, लीथल भी हो सकता है। माल फंक्शन ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट कैन कॉज रेजिलियंस, मतलब क्या हुआ, अगर तुम्हारे इंटरमीडिएट फिलामेंट का बहुत ज्यादा माल फंक्शन हो जाता है तो कैन कॉज रेजिलियंस द कैपेसिटी टू रिकवर द क्विकली ऑफ द कंप्रेशन फोर्स। तो बेसिकली तुम्हारा यहाँ पे कंप्रेशन फोर्स लगाया जाता है, तुम्हारा जो रेजिलियंस है उसको पावर जो उसको मेंटेन किया जाता है, अगर फंक्शन डिसफंक्शन हो जाता है यहाँ पे तो ये वाली रेजिलियंस वाली कंडीशन जो यहाँ पे हो सकती है अगर माल फंक्शन हो जाता है इंटरमीडिएट फिलामेंट का। तो याद रखना है यहाँ से, मैं बता देती हूँ, तो मैं पूरा का पूरा यहाँ पे कंपैरिजन करके बता देती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, मतलब आना चाहिए तुम लोग को, आई एम सो सॉरी, हाँ कंपैरिजन तुम्हें आना चाहिए क्योंकि अगर इसे करोगे तो तुम्हारा यहाँ से सारा सारा सॉल्व हो जाएगा। देखो ये तुम्हारा माइक्रोट्यूब्यूल हो गया, ये इंटरमीडिएट फिलामेंट हो गया, ये एक्टिन फिलामेंट हो गया, विच इज तुम्हारा माइक्रोफिलामेंट्स। अब माइक्रोट्यूब्यूल का मैंने बताया था तुम्हें कि यहाँ पे अल्फा सब यूनिट होती है और एक बीटा ट्यूबुलिन होता है। ठीक है, अल्फा बताया था, बीटा बताया था। जो अल्फा बीटा ट्यूबुलिन जो होती है एक हेटरोडाइमर बनाती है, हेटरोडाइमर बनाने के बाद अगर वो अल्फा जो है GDP से बाइंड है बीटा, तो यहाँ पे डी पॉलीमराइजेशन होता है, तुम्हारी जो प्रॉपर्टी है वो डी पॉलीमराइज हो जाती है। लेकिन अगर मैं बीटा GTP की बात करती हूँ तो यहाँ पे डिसअसेंबली होने लग जाती है, सॉरी असेंबली होने लग जाती है और पॉलीमराइजेशन वाली कंडीशन जो है यहाँ पे अराइज हो जाती है। तो GTP और अल्फा बीटा ट्यूबुलिन हेटरोडाइमर जो है यहाँ पे माइक्रोट्यूबुल का फॉर्मेशन किया जाता है। अगर एक्टिन फिलामेंट पे आते हो तो एक्टिन के जो मोनोमर्स हैं, ठीक है, एक्टिन के जो मोनोमर्स हैं वो तुम्हारा न्यूक्लिएशन प्रोसेस करेंगे, तीन तुम्हारे यू नो एक्टिन मोनोमर्स आएंगे और एक एफ फिलामेंट यहाँ पे फॉर्म कर दिया जाता है। तो ATP का जो एक्टिन मोनोमर है यहाँ पे काम करता है, यहाँ पे तुम्हारी हेटरोडाइमर वाली कंडीशन नहीं आती, सिर्फ एक ATP का एक्टिन मोनोमर्स यहाँ पे काम करता है। जब हम इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की बात करते हैं तो तुम्हारा जो 70 डिफरेंट प्रोटीन्स, मतलब जितने भी तुम्हारे इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की जो कुछ प्रोटीन्स हैं वो आपस में मिलती हैं, इनकॉर्पोरेट करती हैं, एक टेट्रामर की तरह यहाँ पे मिल जाती हैं, ये मैं तुम्हें दिखा चुकी हूँ। प्रेफरेंशियल साइट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मतलब जहाँ पे तुम्हारा असेंबली पॉसिबल हो सकता है, जहाँ पे पॉलीमराइजेशन हो सकता है, वो किस पे होता है, जो माइक्रोट्यूबुल की अगर बात करते हैं जिसे प्लस एंड बोला जाता है या फिर बीटा ट्यूबुलिन जिसपे GTP बाइंड रहता है, उस कंडीशन में क्या होता है, तुम्हारा पॉलीमराइजेशन वाला प्रॉपर्टी जो है यहाँ पे देखने को मिलता है।
अगर एथिन फिलामेंट की बात करती हूँ तो यहाँ पे पॉजिटिव एंड होता है जिसे बार्ब्ड एंड बोला जाता है, जहाँ पे एटीपी का बाइंडिंग रहती है और एटीपी की बाइंडिंग वैसे यहाँ पे पॉलीमराइजेशन वाला जो प्रोसेस है यहाँ पे पॉसिबल हो पाता है। जब हम इंटरमीडिएट फिलामेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे इंटरनल पॉलीमराइजेशन होता है, कोई तुम्हारा पोलैरिटी नहीं है कि तुम्हारा पॉजिटिव साइड है या फिर नेगेटिव साइड है, तो ये हमने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। तो इंटरनली यहाँ पे प्रेफरेंशियल साइट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, कोई तुम्हारा ऐसा यू नो पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड बार्ब्ड एंड पॉइंटेड एंड यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है, तो यहाँ पे पोलैरिटी नहीं होने वाली है। यहाँ पे पोलैरिटी क्यों होगी, यहाँ क्योंकि यहाँ पे प्लस एंड भी है जहाँ पे तुम्हारा पॉलीमराइजेशन हो रहा है, जहाँ पे नेगेटिव एंड है जहाँ पे डी पॉलीमराइजेशन हो रहा है, तो यहाँ पे पोलैरिटी होती है। जब हम एक्टिन फिलामेंट की बात करते हैं, माइक्रो फिलामेंट्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे पोलैरिटी होती है क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंटेड एंड होता है और एक तुम्हारा बार्ब एंड होता है, जहाँ से तुम्हारा पॉलीमराइजेशन डी पॉलीमराइजेशन पॉसिबल हो पाता है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन इंटरमीडिएट फिलामेंट में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कोई भी यहाँ पे पोलैरिटी नहीं होती है, ना पॉजिटिव या नेगेटिव, कुछ भी ऐसा नहीं होता है कि तुम्हारा यहाँ पे ट्रेडमिलिंग हो रही हो, डायनेमिक बिहेवियर शो हो रहा हो, नहीं, यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं होती, तो ये वाला तुम्हारा बिल्कुल गलत हो जाएगा, मतलब नहीं होगा, तो ध्यान में रखना का पेपर में आए तो। एंजाइमेटिक एक्टिविटी की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे जीटीपीएस होने वाली है, क्योंकि जीटीपीएस क्यों होती है, क्योंकि तुम्हारा जो बीटा ट्यूबुलिन है वो तुम्हारा जीटीपी से बाइंड रहता है तो पॉलीमराइजेशन हो जाता है, तो उसका हाइड्रोलिसिस कौन कराएगा, जीटीपीएस कराएगा, और तुम्हारा अल्फा से फिर जीटीपी बाइंड कर जाएगा और डी पॉलीमराइजेशन वाला प्रोसेस यहाँ पे हो जाएगा। तो ये तो हमारा एंजाइमेटिक एक्टिविटी वाला। इंटरमीडिएट फिलामेंट की बात करते हैं, क्योंकि पोलैरिटी नहीं है तो यहाँ पे कोई एंजाइम भी रोल प्ले नहीं करने वाली है, तो इसलिए यहाँ पे कोई भी एंजाइमेटिक एक्टिविटी देखने को नहीं मिलती है, ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। यहाँ पे एटीपीज काम आती है, एटीपीज क्या करती है, तुम्हारी एटीपी को एडीपी में कन्वर्ट कर देती है, मतलब तुम्हारा जो बार्ब्ड एंड होता है वो एटीपी से बाइंड रहता है, पॉलीमराइजेशन कराता है, और जब एटीपीज एंजाइम काम में आती है वो क्या करती है, एटीपी को एडीपी में कन्वर्ट कर देगी, और एडीपी तुम्हारी किससे बाइंड कर जाएगा, पॉइंटेड एंड से बाइंड कर जाएगा, और वहां पर डी पॉलीमराइजेशन वाला जो प्रोसेस है वहां पर होने लग जाएगा, ठीक है, ये याद रखना। अब आते हैं मोटर प्रोटीन्स में, मोटर प्रोटीन जो होती है माइक्रोट्यूब्यूल्स में वो काइनेसिन और डायनेन होती हैं, जो वहाँ पे मोटर प्रोटीन इधर काम करेंगी, मूवमेंट में काम करेंगी, तुम्हारे ऑर्गेनलीज के पोजीशन को मेंटेन करेंगे, तो काइनेसिन और डायनेन जो है तुम्हारा क्रोमोसोमल यू नो सेग्रीगेशन कराना है और तुम्हारा मेटाफिजिक प्लेट में अरेंज करना है, ये सब इनका काम होता है। लेकिन इंटरमीडिएट फिलामेंट में ऐसा कोई भी मोटर प्रोटीन भी नहीं होता है, ये याद रखना है, कुछ भी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है, जिसकी वजह से तुम्हें पता चले कुछ पोलैरिटी है, मूवमेंट पॉसिबल है, तो मूवमेंट तो पॉसिबल हो ही नहीं पाता, मैकेनिकल स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे तो ये चीज़ नहीं हो पाती है। यहाँ पे जो होती है तुम्हारी मायोसिन जो मोटर प्रोटीन्स होती हैं एक्टिन फिलामेंट्स में पाई जाती हैं, जो मोटर प्रोटीन की तरह काम करेंगी, जो तुम्हारा मसल कॉन्ट्रेक्शन कराएंगी, जो मायोसिन का हेड होता है वहाँ पे एटीपी बाइंडिंग साइट होती है और तुम्हारा यू नो एक्टिन बाइंडिंग साइट होती है, तो जिसकी वजह से मूवमेंट जो है, मोटिलिटी जो है, जो मसल का कॉन्ट्रेक्शन जो है यहाँ पे पॉसिबल हो पाएगा। मेजर ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड प्रोटीन्स, अगर मेजर ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड प्रोटीन्स की बात करती हूँ तो यहाँ पे मैप्स होती हैं, जिसे बोला जाता है माइक्रोट्यूबुल एसोसिएटेड प्रोटीन्स, जैसे टाउ प्रोटीन हो गई, तो यहाँ पे ये काम आएंगी। यहाँ पे प्लेकिंग्स आती हैं बेटा, मैंने जैसे बताया तो मैं जो प्लेकिंग्स हो गया, डेस्मो जोन्स हो गए, तुम्हारे हेमी डेस्मो जोन्स हो गए, और प्लेकिंग्स हो गई, उन प्रोटीन से वो बाइंड करते हैं, बाइंड करने के बाद में उनको जो तुम्हारे जो डेस्मो जोन्स हैं वो आपस में कनेक्टेड है, सेल एडेशन मॉलिक्यूल्स की तरह काम कर रहे हैं, तो ये प्लेकिंग्स को पकड़ के वो प्लेकिंस इसको पकड़ेंगे, मतलब प्लेकिंस को ये पकड़ेंगे और प्लेकिंस क्या करेंगे, आगे वाली चीज़ों को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे, तो प्लेकिंस ये बाइंड रहते हैं। यहाँ पे होती है एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन, जैसे तुम्हारा कौन कौन सी होगी, फिम्ब्रिन हो गया है यहाँ पे, स्पेक्ट्रिन हो गया और डायस्ट्रोफिन हो गया, तो बहुत सारी प्रोटीन मैंने तुम्हें बता दी, अल्फा ट्यूबुलिन हो गया, सॉरी एक्टिन हो गया, तो यहाँ पे बहुत सारी प्रोटीन्स होती हैं, एक बार जाके देख लेना, ये वाली मैं चीज़ें करा चुकी हूँ। स्ट्रक्चर की अगर बात करी जाती है तो यहाँ पे स्टिफ होता है, हॉलो होता है, इन एक्सटेंसिबल ट्यूब होता है, तो मतलब ऐसा स्ट्रक्चर ट्यूब होगा जहाँ पे तुम्हारा क्या होता है, माइक्रोट्यूबुल प्रेजेंट होता है, तो एक प्रोटोफिलामेंट जो 13 प्रोटोफिलामेंट मिल जाएंगे एंड दे विल फॉर्म अ माइक्रोट्यूबुल लाइक स्ट्रक्चर। नाउ इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द इंटरमीडिएट फिलामेंट, दे आर वेरी टफ बिकॉज दे आर गोना प्रोवाइड द स्ट्रक्चर सपोर्ट और द मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द सेल, सो दे आर टफ, दे आर फ्लेक्सिबल एंड एक्सटेंसिबल फिलामेंट, यू कैन एक्सटेंड, तो उनमें एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है, तो तुम्हें एक अगर एक्सटेंड करना है तो वो भी तुम पॉसिबिलिटी यहाँ पे है कि तुम्हें एक्सटेंशिबल फिलामेंट जो है वो मिल सकते हैं, तो दिस इज वेरी ट्रू, तो इसको ध्यान में रखना है। वाइल अबाउट द एक्टिन फिलामेंट, दे आर फ्लेक्सिबल वाइल दे आर इन एक्सटेंसिबल हेलिकल फिलामेंट, तो ये इन एक्सटेंसिबल है, इनको एक्सटेंड नहीं किया जा सकता है, तो ये ध्यान में रखना है। डायमेंशन की अगर बात करते हैं, सो इफ यू गो टू द माइक्रोट्यूब्यूल्स, दे आर अबाउट 25 नैनोमीटर इन डायमीटर, वाइल द इंटरमीडिएट फिलामेंट्स आर अबाउट 11 और 8 टू 11, याद रखना सिर्फ 10 टू 12 नहीं, या फिर 8 टू 11 याद रखना, 10 टू 12 नैनोमीटर, सो दे कम इन बिटवीन द माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड एक्टिन फिलामेंट्स, एंड एक्टिन फिलामेंट्स आर अबाउट 8 नैनोमीटर डायमीटर, तो इसको ध्यान में रखना है। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, द माइक्रोट्यूबुल्स आर बेसिकली फाउंड इन ऑल यूकेरियोट्स, सो दिस इज इंपॉर्टेंट, अगर ऑल आता है तो ये एक्सट्रीम वर्ड है बट
इट इज ट्रू, ठीक है। इंटरमीडिएट फ्लामिंग्स की बात करते हैं, दे आर फाउंड इन एनिमल्स, सो दे आर फाउंड इन एनिमल्स बिकॉज यूकैरियोट्स आल्सो इंक्लूड फंजाई, तुम्हारा प्रोटिस्ट वाला पार्ट, दे इंक्लूड ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म व्हिच कम आफ्टर द प्रोटिस्ट। सो एनिमल्स जो होते हैं उनमें इंटरमीडिएट फिलामेंट्स प्रेजेंट होता है, जबकि एक्टिन फिलामेंट्स आर फाउंड इन ऑल यूकैरियोट्स। एक्टिन फिलामेंट्स में अमीबॉइड मूवमेंट भी देखने को मिलता है, तो ये ध्यान रखना है। प्राइमरी फंक्शन जो होगा इनका सपोर्ट होगा, इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट होता है, सेल ऑर्गेनाइजेशन होता है, जबकि तुम्हारा इंटरमीडिएट फिलामेंट का जो इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, दे आर गोना प्रोवाइड योर स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द सेल एंड द मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द सेल। तो ये याद रखना है, क्योंकि ये मोटिलिटी में काम नहीं आती, मोटिलिटी में बिल्कुल भी काम नहीं आएंगे, बहुत कम अगर रेयर चांसेस में होगा, इनडायरेक्टली ये हेल्प कर सकते हैं, डायरेक्टली जो करेंगे इनका मैकेनिकल स्ट्रेंथ का काम होता है, ये याद रखना है। वाइल द एक्टिन फिलामेंट्स आर फाउंड इन द इन दोज एरियाज वेयर द मोटिलिटी इज कैन बी फाउंड, कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द मसल्स, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट, सो ये सब चीज़ में इंपॉर्टेंट होते हैं। तीनों के तीनों ये जो होगा साइटोप्लाज्म माने जाएंगे तीनों के तीनों, लेकिन इंटरमीडिएट फिलामेंट कैन ऑल्सो फाउंड इन द न्यूक्लियस। नाउ दिस इज एन एक्सेप्शन, ध्यान में रखना है। न्यूक्लियस में बेसिकली तुम्हारे जो न्यूक्लियर लैमिन्स होते हैं, न्यूक्लियर फिलामेंट्स हो गए, तो ये जो न्यूक्लियर लैमिन्स होते हैं तो न्यूक्लियस में है, क्योंकि न्यूक्लियर का एनवलप बना रहे हैं, तो उसे याद रहेगा आई होप, तो ये याद रखना है। तो आई होप ये सब चीज़ें तुम्हें तीनों की तीनों चीज़ें कवर हो गई होंगी, तुम्हारे लिए हेल्प मिली होगी। चलो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। नाउ दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, आई एम गिविंग यू 1 मिनट, सोचो आराम से, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे कराती हूँ। ये सारे के सारे करके जाना, और सैला दिजिन भी तुम्हें तुम्हारा रिवाइज कराना, सॉरी रिवाइज कराने की पूरी कोशिश करूंगी, ठीक है। सैला दिजिन वाला, मॉलिक्यूल्स वाला, और इकोलॉजी के तुम्हारे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं जो तुम्हारे 2011 से 19 में पूछे गए हैं, तो बहुत बार तुम्हें करा भी चुकी हूँ, लेकिन एक बार तुम्हें पूरा का पूरा नोट्स वहाँ पर प्रोवाइड करने वाली हूँ, तो वो वाले एक बार देख लेना, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा तुम्हारे यहाँ से, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, तो कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो तुम्हारे लिए ट्रू है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की अगर मैं बात करती हूँ तो। रेदर देन कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ अ प्रोटीन, दे कैन बी मेड अप ऑफ नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोटीन्स। तो ये तुम्हें पता है कि अगर सिंगल टाइप ऑफ प्रोटीन से तुम्हारा, जैसे मैं तुम्हें समझा देती हूँ एक बार, सो जैसे तुम्हारा इंटरमीडिएट फिलामेंट हो गया, ठीक है, इंटरमीडिएट फिलामेंट हो गया, ये तुम्हारा एन टर्मिनल हो चुका है, ये सी टर्मिनल हो चुका है, और ये तुम्हारा पॉलीपेप्टाइड का जो अल्फा हेलिक्स वाला चेन हो चुका है, जब तो आपस में ये कंबाइन करते हैं, आपस में कंबाइन करते हैं, तो ये एन टर्मिनल होता है, ये सी टर्मिनल होता है, ये तुम्हारा डायमर का फॉर्मेशन कर देंगे, फिर टेटामर जो होता है तुम्हारा एंटी पैरेलल यहाँ पे अरेंज होता है। और मैंने बताया था कि तुम्हें नॉर्मली जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर सिमिलैरिटी होती है, आपस में मिल जाते हैं, लेकिन जो फिलामेंटिन हो गया, तुम्हारा केराटिन हो गया, यहाँ पे साथ में नहीं मिलते हैं। नाउ रेदर देन कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल टाइप ऑफ प्रोटीन, दे कैन बी मेड ऑफ नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोटीन्स, तो ऐसा मतलब बहुत कम यू नो देखने को मिलता है कि ऐसा नहीं हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये चीज़ें होती हैं जहाँ पे तुम्हारा जो 80 डिफरेंट जो इंटरमीडिएट फिलामेंट जो 60 हैं, ये सारे के सारे आपस में मिलकर एक डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन्स बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे यू नो यही इंटरमीडिएट फिलामेंट चाहिए, नहीं, तो बहुत सारी जो प्रोटीन है आपस में मिलकर यहाँ पे काम करती है, तो ये वाला बिल्कुल सही है, ये ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। देर इन्वॉल्व द सेल मूवमेंट, क्या मैंने तुम्हें बताया सेल मूवमेंट में इन्वॉल्व होते हैं? नहीं, ये सेल मूवमेंट में पॉसिबल नहीं होता है, ये इन्वॉल्व नहीं होने वाले हैं, और अगर होते भी हैं तो इनडायरेक्टली होते हैं, डायरेक्टली इनका कोई भी रोल मूवमेंट में नहीं आने वाला है। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एन इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रोटीन इज अ ग्लोबुलर हेड एंड अ लॉन्ग अल्फा हेलिकल टेल। तो मैंने तुम्हें कहीं भी नहीं पढ़ाया कि ग्लोबुलर हेड होता है, वहाँ पे सिंपल चेन होती है, अल्फा हेलिक्स चेन होती है, जहाँ पे एन टर्मिनल होता है और सी टर्मिनल होता है, और जो एन टर्मिनल होता है वो तुम्हारा हेड रीजन होता है, जहाँ पे एक पर्टिकुलर पार्ट जो है एक कॉइल्ड टर्मिनल होता है, और जो सी टर्मिनल वाला पार्ट होता है टेल होता है, और जो अल्फा हेलिक्स है जो बीच में रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वो तुम्हारा सेंट्रल रॉड होता है। तो ग्लोबुलर हेड तो यहाँ पे है ही नहीं, तो ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। लाइक माइक्रोफिलामेंट, बेटा माइक्रोफिलामेंट की तरह इसमें कुछ भी नहीं है, लाइक माइक्रोफिलामेंट दे एग्जिबिट ट्रेडमिलिंग, तो बेटा ये तो बिल्कुल प्रोसेस अब पॉसिबल ही नहीं था,
क्योंकि जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की अगर मैं बात करती हूँ, यहाँ पे कोई भी डायनेमिक बिहेवियर शो नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है ऐसा डायनेमिक वाला जो ट्रेड मिलिंग वाला प्रोसेस हो पाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी पोलैरिटी नहीं होती है, बता चुकी हूँ कोई भी पोलैरिटी नहीं होगी, कोई भी एंजाइमेटिक एक्टिविटी यहाँ पे नहीं पॉसिबल होती है, तो ट्रेड मिलिंग वाला प्रोसेस तो यहाँ पे पॉसिबल था ही नहीं, तो ये भी तुम्हारा गलत हो जाता। तो आंसर जो था ए था। अगर तुम्हें नहीं भी आता था तो तुम सारे के सारे ऑप्शन को देख के तुम्हें पता चल जाता कि हाँ ये जो आंसर होने वाला है ए विल बी राइट आंसर। तो इसको याद रखना, नॉर्मली क्या होता है तुम्हारी सिंगल टाइप ऑफ ना प्रोटीन के साथ में मिलके, वो बहुत सारी प्रोटीन के साथ में मिलके काम करती है, ऐसा नहीं होता कि एक प्रोटीन के साथ मिलके काम करेगी, नहीं। कुछ कुछ एक्सेप्शन है वो तुम्हें बता चुकी हूँ, विमेंटिन हो गया तुम्हारा है, जो तुम्हारे केराटिन के साथ में काम करेगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि नंबर ऑफ प्रोटीन जो है आपस में मिलके यहाँ पे काम करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मिनट है, ट्राई करो, उसके बाद फिर मैं कराऊंगी। नाउ देखो, विच सेलुलर फंक्शन मे बी डिसरप्टेड बिकॉज ऑफ द माल फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। मतलब अगर इंटरमीडिएट फिलामेंट का कोई भी माल फॉर्मेशन हो जाता है या फिर वो प्रॉपरली नहीं फॉर्म होते हैं, तो क्या चीज़ है जो डिसरप्ट हो सकती है वो हमें बताना था। एबिलिटी टू डिवाइड, इनका कोई भी रोल नहीं है डिवीजन में, तो मैं बता चुकी हूँ कोई भी डिवीजन नहीं है रोल का, इनका मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना है, सपोर्ट प्रोवाइड करना है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है, लेकिन डिवाइड डिवीजन में कोई भी इनका रोल नहीं होता है, तो ये वाला तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल, अगर स्पिंडल की बात करते हैं तो वहाँ पे जो काम आता है माइक्रोट्यूब्यूल्स आते हैं, जहाँ पे तुम्हारा सेंट्रोसोम होता है, माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर होता है, जहाँ से माइक्रोट्यूब्यूल का अराइजन होता है या फिर इनिशिएशन होता है। तो फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल्स में तुम्हारा इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का कोई भी यहाँ पे रोल नहीं पाया जाता है, तो ये भी गलत हो गया है। ट्रांसपोर्ट ऑफ केमिकल्स, अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो तुम्हारी जो काइनेसिन प्रोटीन हो गया वो कार्गो प्रोटीन का ट्रांसपोर्टेशन कराते हैं, लेकिन इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का ऐसा कोई भी रोल नहीं है कि तुम्हारा मोटिलिटी करवाए किसी चीज़ का, या फिर किसी को यू नो ट्रांसपोर्ट करवाए, किसी कार्गो का ट्रांसपोर्ट करवाए, किसी ड्रग का ट्रांसपोर्ट करवाए, ऐसा कोई भी रोल तुम्हारा इंटरमीडिएट फिलामेंट का नहीं होता है। तो अगर क्वेश्चन में कभी भी घुमा के चीज़ें पूछी जाएँ तब भी याद रखना है कि ये वाला तो गलत होने वाला है। रेजिलियंस टू कंप्रेशन फोर्स, जो इंटरमीडिएट फिलामेंट होते हैं अगर इनमें कोई भी मालफॉर्मेशन हो जाता है तो कंप्रेशन फोर्स के लिए रेजिलियंट हो जाती है बॉडी, तो ये याद रखना है। तो अगर तुम्हारा मालफॉर्मेशन हो जाएगा इंटरमीडिएट फिलामेंट का, तो ये वाली कंडीशन जो है अराइज हो सकती है, ये शायद मैंने तुम्हें कराई भी है ठीक है पढ़ाते टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा पूरा का पूरा कंपेरिजन है, तो ट्राई करना है इसको क्वेश्चन को करने के लिए। नाउ एक एक मिनट चलो तुम्हारे पास, ट्राई करो, उसके बाद फिर मैं कराती हूँ। चलो तुम्हारा टाइम ओवर होने वाला है, फटाफट से करो इसको, आई होप हो गया होगा। चलो देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, कौन से इसमें फॉल्स स्टेटमेंट है, लाइक माइक्रोट्यूब्यूल्स। चलो डी से स्टार्ट करते हैं। द मोस्ट ड्रामेटिक एग्जाम्पल ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ द फॉस्फोरिलेशन इन द डिसअसेंबली ऑफ द इंटरमीडिएट फिलामेंट, इसमें बोला है बहुत ज्यादा जो ड्रामेटिक एग्जाम्पल है जहाँ पे तुम्हें पता चलता है फॉस्फोरिलेशन और डी फॉस्फोरिलेशन का जो फंक्शन है, अगर मैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की बात करती हूँ, इज प्रोवाइडेड बाय द न्यूक्लियोलेमिस। तो मैं पता है न्यूक्लियोलेमिस का बहुत ज्यादा यू नो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो मैंने तुम्हें समझाया भी है, विच आर फॉस्फोराइलेटेड एंड डिसअसेंबल ईच टाइम द सेल एंटर द माइटोसिस। तो जैसे सेल जो होती है तुम्हारी माइटोसिस में एंटर करती है, माइटोसिस का मतलब अगर प्रोफेज में भी एंटर करती है, उस कंडीशन में क्या होता है फॉस्फोराइलेशन करा दिया जाता है न्यूक्लियोलेमिस का, और फॉस्फोराइलेशन होते ही उसकी क्या हो जाती है डिसअसेंबली हो जाती है, और असेंबली होने के बाद में
डिसअसेंबली होने के बाद में क्या होता है, तुम्हारा यहाँ पे न्यूक्लियर जो एनवेलप है वो पूरा का पूरा यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाता है, वो यहाँ से रिलीज हो जाता है। लेकिन जैसे तुम्हारी टेलोफेज वाले स्टेज में आती है, वहाँ पे फिर डीफॉस्फोराइलेशन करा दिया जाएगा उसको, और फिर से न्यूक्लियर एनवेलप जो है यहाँ पे फॉर्म हो जाता है। तो ये तुम्हारा बिल्कुल सही होने वाला है, और तुम्हें बताना है फॉल्स स्टेटमेंट। तो ये तो बिल्कुल सही हो गया, तो गलत नहीं हो सकता है। कैरेटिन्स एंड द विवेंटिन रिलेटेड प्रोटीन्स डू नॉट को पॉलीमराइज विद ईच अदर। तो ये मैं बता चुकी हूँ, दोनों जानी दुश्मन है। अगर कैरेटिन और विवेंटिन साथ में है तो आपस में बिल्कुल भी को पॉलीमराइज नहीं करेंगे, बिल्कुल भी बहुत नफरत करते हैं। अगर कैरेटिन जहाँ प्रेजेंट है विवेंटिन भागने की कोशिश करेगा, विवेंटिन जहाँ प्रेजेंट है कैरेटिन भागने की कोशिश करेगा। अगर वो वेन देर एक्सप्रेस द सेम सेल, लेकिन अगर ऐसा कंडीशन आ जाती है एक ही फंक्शन में दोनों पहुंच जाते हैं, सेम सेल पे अगर पहुंच जाते हैं, दिल फॉर्म अ सेपरेट फिलामेंट सिस्टम। तो वो आपस में मिलेंगे नहीं, आपस में दूसरे दोस्तों से मिलेंगे, दिल फॉर्म अ सेपरेट फिलामेंट सिस्टम, लेकिन आपस में कोई भी तुम्हारा यहाँ पे को पॉलीमराइजेशन यहाँ पे शो नहीं करते हैं। तो ये तुम्हारा बिल्कुल सही वाली बात है। अ सिंगल एपिथेलियल सेल कैन मेक अ वेराइटी ऑफ केराटिन। तुम्हें पता है कि सिंगल एपिथेलियल सेल जो है तुम्हारी, बहुत सारी केराटिन उसमें प्रेजेंट होती हैं। टाइप वन केराटिन्स होती हैं, टाइप टू केराटिन्स होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट केराटिन प्रोटीन्स होती हैं जो आपस में को पॉलीमराइज करती हैं। तो मैंने बताया है कि जो अगर इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की बात है, तो वहाँ पे को पॉलीमराइजेशन बहुत ज़्यादा ईजी वाला काम है। जो एक्सेप्शन है वो ये वाला है, ठीक है, को पॉलीमराइज करेंगे तो सिंगल केराटिन फिलामेंट सिस्टम। तो ये तुम्हारा बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल सही होने वाला है। लाइक माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड द एक्टिन फिलामेंट्स, द इंटरमीडिएट फिलामेंट्स फॉर्म अ पोलराइज स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन डिपेंड ऑन दिस पोलैरिटी। सो बेटा ये तो बहुत गलत हो जाएगा, क्योंकि माइक्रोट्यूब्यूल जो है उसमें भी तुम्हारा एक पॉइंटेड एंड, सॉरी, एक प्लस एंड होता है, एक माइनस एंड होता है, जहाँ पे अल्फा बाइंड करता है, बीटा बाइंड करता है, तो यहाँ पे पोलैरिटी होती है। एक्टिन फिलामेंट में तुम्हारा क्या होता है, बार्ब एंड होता है, पॉइंटेड एंड होता है, प्लस और माइनस एंड है, लेकिन वहाँ पे पोलैरिटी प्रेजेंट है, तो एक्टिन फिलामेंट में प्रेजेंट है। लेकिन अगर हम इंटरमीडिएट फिलामेंट की बात करते हैं, तो यहाँ पे कोई भी पोलैरिटी प्रेजेंट नहीं होती है, यहाँ पे कोई भी डायनेमिक बिहेवियर नहीं होगा, कोई भी ट्रेडमिलिंग नहीं होने वाली है, कोई भी पोलराइज स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होने वाला है, कोई भी एंजाइमेटिक एक्टिविटी देखने को नहीं मिलती है। तो ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ये इंटरमीडिएट फिलामेंट का अलग स्ट्रक्चर है, इसको याद रखना है। तो ए हो जाएगा, वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो इसको। चलो करा देती हूँ उसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट। जो ऐसा पूछा है हमसे कि कौन सा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक, दे फॉर्म अ न्यूक्लियर लेमेंस लेमिना। ये तो तुम्हें पता है कि जो न्यूक्लियर लेमेंस होती हैं ए बी सी, वो क्या बनाती हैं, तुम्हारा इंटरमीडिएट फिलामेंट का फॉर्मेशन करती हैं। तो ये तो तुम्हारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ये तो कैरेक्टरिस्टिक है इसका, तो ये तो बिल्कुल सही है। इट प्रोवाइड्स अ मैकेनिकल स्टेबिलिटी टू द एनिमल सेल्स। तो इनका काम ही है कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना है, सपोर्ट प्रोवाइड करना है, प्रोटेक्शन करना है। तो ये मैकेनिकल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं एनिमल सेल्स में करते हैं, तो ये तुम्हारा बिल्कुल सही है। एनिमल सेल्स को भी देख लेना, यहाँ पर यूकेरियोट्स ना लिखा हो, यहाँ पर एनिमल सेल लिखाना चाहिए, तो ये भी तुम्हारा बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। दे प्रोटीन्स कंपोजिशन इज टिश्यू स्पेसिफिक। नाउ ये इंपॉर्टेंट है कि जैसे मैंने तुम्हें बताया कि टाइप वन, टाइप टू, टाइप थ्री है, केराटिन जो है तुम्हारे एपिथेलियल सेल्स में होती हैं। अगर मैं बात करती हूँ तुम्हारे न्यूरोफिलामेंट्स की, तो वो न्यूरॉन्स में पाए जाते हैं। अगर मैं बात करती हूँ न्यूक्लियर लेमेंस की, तो न्यूक्लियर एनवलप को बनाने में काम करेंगे। तो इनका जो प्रोटीन का कॉम्पोजिशन होता है बेटा, टिश्यू स्पेसिफिक होता है। तो ये नई चीज़ है, इसको याद रखना, नई चीज़ इन द सेंस मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, लेकिन ये वर्ड नहीं आया था, तो ये वर्ड अब यहाँ पे आ चुका है, तो ध्यान में रखना, ये बिल्कुल सही है। दे कंपोज ऑफ द ग्लोबुलर मोनोमर्स। क्या इसमें ग्लोबुलर मोनोमर्स होते हैं बेटा? नहीं, इसमें क्या होता है, तुम्हारा अल्फा हेलिकल जो चेन होती है वो यहाँ प्रेजेंट होती है, जहाँ पे जो एक एंड टर्मिनल होता है जो हेड रीजन की तरह काम करता है, जो सी टर्मिनल होता है जो टेल रीजन की तरह काम करता है, सेंट्रल में बीच में रॉड होती है। तो ये वाला तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, डी विल बी योर राइट आंसर, क्योंकि वो गलत है। ठीक है, चलो अगर कोई भी नया बच्चा आता है, तो तुम अगर और भी फ्री क्लासेस लेनी है, बेसिकली तुम्हारी जो फ्री क्लासेस होती हैं तुम्हारी यूट्यूब पे होती हैं, ठीक है, जो 1 सुबह 10:30 पे होती है, जहाँ पे मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चंस कराती हूँ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो यहाँ से कंप्लीट कराती हूँ। साथ के साथ 4 बजे तुम्हारा रिवीजन अभी चल ही रहा है, 13 to 17 तक रिवीजन प्रॉपरली चल रहा है, तो तुम रिवीजन करते रहो, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है प्लीज उनको रिवाइज करते रहो, रिवीजन नहीं छोड़ना है एक बार भी, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अन अकेडमी पर तुम्हारी जो होती हैं स्पेशल क्लासेस होती हैं जो बिल्कुल फ्री होती हैं, तो आपको करना क्या है, प्ले स्टोर पर जाना है बेटा,
और अन अकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लेना है। आप जैसे ही डाउनलोड करोगे आपको कुमकुम गौतम सर्च करना है, CSI UGC नेट के लिए जो यू नो टीचर्स पढ़ाते हैं आपको वहाँ पे मिल जाऊंगी मैं। उसके बाद फॉलो कर लेना है, नोटिफिकेशन आ जाएगा जब भी क्लास होगी आपके पास। नहीं तो मैं जब यूट्यूब पर पढ़ाती हूँ आपको बता देती हूँ कब क्लास होने वाली है। अगर प्लस क्लासेस की बात करती हूँ तो ये जो होती है आपकी पेड वाली क्लासेस होती है जहाँ पे आपको पेमेंट करना होता है। ये प्लस क्लासेस का फायदा क्या होता है बेटा कि आपको रेगुलर पढ़ाया जाता है, आपको रेगुलर पढ़ाया जाएगा, आपका सारा जो कोर्स है वो कंप्लीट कराया जाएगा, जो नोट्स हैं आपको वो PDF फॉर्मेट में यहाँ पे मिल जाते हैं। साथ ही साथ क्या होता है प्लस क्लासेस की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे आपको जितनी चाहे आप उतनी लाइव क्लासेस ले सकते हैं। ऐसे नहीं है कि सिर्फ मेरी क्लासेस मिलेंगी, जितने भी आपके एजुकेटर्स हैं आपको सबकी लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाती हैं। मेरा यहाँ पे रिवीजन कोर्स चल रहा है, तो अगर किसी बच्चे को ज्वाइन करना है, अगर आगे के CSI के लिए जो भी प्रिपेयर कर रहा है वो रिवीजन कोर्स ज्वाइन कर लेगा तो आपका काफ़ी अच्छे से यहाँ पे बहुत सारी जो चीज़ें यहाँ से कवर हो जाएंगी, आपके जो टॉपिक्स हैं वहाँ से क्लियर हो जाएंगे, आपका जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाएगा। और कॉन्सेप्ट को क्लियर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिविजन के साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराती हूँ, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी कराती हूँ, तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो यार आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस क्लासेस का फायदा यही है बेटा कि वहाँ पे बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया जाएगा, नोट्स का भी टेंशन नहीं है, कोर्स पूरा हो रहा है, वहाँ पे रेगुलर पढ़ाया जा रहा है, तो एक कोचिंग का टाइप हो जाता है। अगर आपको ये ज्वाइन करना है तो आप अभी से ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि अभी आपका टाइम स्टार्ट होने वाला है नेक्स्ट CSI के लिए। आपको यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेना है, ध्यान रहे GATSE ना लिखा हो, यहाँ पे लिखा होना चाहिए CSI और UGC नेट। आपको यहाँ पे क्लिक करना है, NTU UGC नेट पे क्लिक नहीं करना है। फिर आपको प्लान चूज करना होता है कि आपको 1 मंथ का लेना है कि 3 मंथ्स का लेना है, 6 मंथ्स का लेना है, 12 मंथ्स का लेना है, 24 मंथ्स का लेना है। तो जो भी बच्चे आगे वाले CSI के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं वो 6 या 12 24 मंथ्स का ले सकते हैं। यहाँ से फायदा क्या होगा कि आपको पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा यूनिट वाइज एक तरीके से, ठीक है। रेगुलर कोर्सेस तुम्हारे चलते रहते हैं, यूनिट वाइज आपको कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा, जो नोट्स हैं आपको वो PDF फॉर्मेट में यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। उसके साथ साथ आपको पूरे अच्छे से लाइव क्लासेस यहाँ पे मिलती हैं, तो 6 से 12 24 मंथ्स वाला आप चूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक रेफरल कोड भी मिलता है यूज करने के लिए, कुमकुम 10 KUM KUM 10 आप अप्लाई कर सकते हैं। कुमकुम 10 अप्लाई करते क्या होता है आपको 10% ऑफ मिल जाता है बेटा, ठीक है। 10% ऑफ मिल जाएगा, देन करना है प्रोसीड टू पे। आपको 10% ऑफ मिल जाएगा कुमकुम 10 यहाँ पे कोड अप्लाई करते ही। फिर आपको पेमेंट करनी होती है, चाहे डेबिट कार्ड के थ्रू करो, चाहे क्रेडिट कार्ड के थ्रू करो, वीजा हो गया, मास्टर कार्ड हो गया, कुछ भी मेस्ट्रो यूज़ करो, EMI के थ्रू भी कर सकते हो, UPI हो गया, वॉलेट हो गया, नेट बैंकिंग हो गया। तो आपको 1 साल का इतना अमाउंट पे करना होता है, ठीक है। 1 साल का है, 12 मंथ का है, याद रखना है ये चीज़। 10,395, अगर किसी बच्चे को फाइनेंशियली प्रॉब्लम है तो आप EMI के थ्रू भी कर सकते हो। यहाँ पे नो कॉस्ट EMI वाला ऑप्शन है, मतलब कोई भी आपसे इंटरेस्ट नहीं लिया जाता है, आप जो इस अमाउंट को इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हो, ठीक है। ये तुम्हारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान में रखना है। अकेडमी ऐप पे अगर आपको ज्वाइन करना है, चाहे स्पेशल क्लासेस हैं जो तुम्हारी फ्री वाली क्लासेस होती हैं आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ से फायदा क्या होता है स्पेशल क्लासेस का कि आपको रेगुलर कोर्सेस यू नो टीचर्स नॉर्मली आपको पढ़ा रहे होते हैं, मैं आपको हमेशा क्वेश्चंस करा रही होती हूँ, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन का रिविजन। तो अगर ज्वाइन करना है तो आप भी ज्वाइन कर सकते हो। प्लस क्लासेस अगर आपको आनी है तो वो भी ले सकते हो। सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, कुमकुम 10 अप्लाई करना पड़ेगा और 10% ऑफ मिल जाएगा। और कोर्सेज के साथ साथ, मेरे कोर्सेज के साथ साथ जितने भी CSI UGC नेट के एजुकेटर्स हैं आपको सबके कोर्सेज यहाँ पे मिल जाते हैं। अगर कोई भी नया बच्चा आया है तो प्लीज लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच।